सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद अखिलेश यादव पर भाजपा नेताओं द्वारा गालियां देने तथा अपमानजनक टिप्पणी करने के विरोध में सपा शहर अध्यक्ष दल से साथ कानपुर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और मुकदमा दर्ज करने की मांग की। ज्ञापन देने आए समाजवादी पार्टी कानपुर महानगर के अध्यक्ष फजल महमूद ने बताया कि थाना गोविंद नगर के अंतर्गत पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। उसी समय वाहन चेकिंग के दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शैलेंद्र त्रिपाठी अपने वहां से निकले और पुलिस ने उनका वाहन रोका तथा चेकिंग करने के लिए कहा। इस पर भाजपा नेता ने शैलेंद्र त्रिपाठी का पुलिस प्रशासन को अपशब्द भी कहे तथा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद अखिलेश यादव को गालियां देते हुए अपमानजनक टिप्पणी की। इस घटना से सपा नेता और कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। समाजवादी पार्टी घोर शब्दों में निंदा करती है। घटना से समाजवादी पार्टी तथा पुलिस प्रशासन का भी अपमान हुआ है। ऐसे सांप्रदायिक भाजपा नेता के खिलाफ सपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर कर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। आंदोलन से शहर में बड़ा संघर्ष भी हो सकता है। ज्ञापन देते हुए शहर अध्यक्ष फजल महमूद ने मांग की है कि भाजपा नेता शैलेंद्र त्रिपाठी व उनके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज करके कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। अगर उनके द्वारा भाजपा नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो सपा सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होगी। ज्ञापन आज शुरू करो अध्यक्ष जी, आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया क्या मांग? समाजवादी पार्टी कानपुर महानगर ने आज पुलिस कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन इस बात का दिया है कि विगत दो दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का कथाकथित नेता शैलेंद्र त्रिपाठी को ही है, उसने डबल लूटा लगाया था। गोविंद नगर इंस्पेक्टर ने उसकी गाड़ी रोकी, उसने पुलिस से इंस्पेक्टर से बदतमीजी की, ये पुलिस का मामला था। लेकिन उसने इस देश की तीसरे सबसे बड़ी पार्टी, देश के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी के और जो पूर्व मुख्यमंत्रियों करंट सांसद हैं उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी, उनको गाली बकी, जिसके समाजवादी पार्टी कानपुर के कार्यकर्ताओं में रोष था, जिसको लेकर आज हमने कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया और चेतावनी भी दी है कि समाजवादी लोग बहुत दिन रुकते नहीं हैं। अगर मेरे नेता के लिए हम सब की जान कुर्बान है और एक हफ्ते का उनको समय दिया, एक हफ्ते में गिरफ्तारी नहीं करी, तो सड़कों पे समाजवादी पार्टी सड़कों पे आंदोलन करेगी, सड़कों पे दिखेगी। तो गाली क्यों दी? क्या कारण रहा कि कारण ये रहा कि समाजवादी क्या कारण रहा जो गाली दी है? ऐसा है कि इस समय जो चेकिंग चल रही थी वो डबल हुटर, चूंकि शासनादेश आया है कोई हुटर लगा के नहीं चलेगा, प्रशासन की तरफ से था, प्रशासन ने रोका, तो वो प्रशासन को ये बता रहे थे कि तुम लोग समाजवादी लोग हो, तुम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो हूटर क्या उतरवाने लगे, तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप लोग पुलिस काम कर रही है और समाजवादी हो चुकी है पुलिस। इसी बात को लेके उन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी के लिए अभद्र बहुत गंदी भाषा का प्रयोग किया जो वीडियो पे वायरल हुआ है। इसका हम लोग विरोध करते हैं और पुलिस से हम लोगों का ये हम लोगों ने ज्ञापन दिया, निवेदन कि एक हफ्ते में, एक हफ्ते आपके पास समय, इसके बाद हम लोग सड़कों पे देखेंगे आंदोलन करेंगे। किस रूप से आंदोलन करेंगे अगर कर्तव्य नहीं होती? हम लोग धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, यही आंदोलन का रूप होता है। अहिंसा का आंदोलन हम लोग करेंगे जिससे कि कानून व्यवस्था इनकी खराब होगी और अशांति भंग होगी। जन आक्रोश है, लाखों हजारों करोड़ों नौजवानों के दिलों की धड़कन, अखिलेश यादव के लिए ऐसी अभद्र टिप्पणी कोई भी नेता बर्दाश्त नहीं करेगा। हाँ, उन्होंने मोबाइल जो वीडियो में देखा है, मोबाइल उनके साथ एक और नेता था, वो मोबाइल छीनने का प्रयास कर रहा था। कई धाराएं उनके विधिक रूप से बनती हैं जो गंभीर धाराएं बनती है, अगर पुलिस काम इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती माना जाएगा कि पुलिस की सह है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर। इसलिए लगातार इस तरह की वारदातें हो रही और लगातार पुलिस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता अभद्र
भाषा कार्यशैली का प्रयोग कर रहे हैं। आप एक अधिवक्ता भी हैं, सुरक्षा व्यवस्था के दौरान सुरक्षा इस तरह की है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, हर जगह चैन स्नैचिंग, सुबह आप पेपर पढ़ेंगे चैन स्नैचिंग, मर्डर, हत्या, लूट, डकैती, लगातार घटनाएं। इस समय कानपुर ने पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि नाम से प्रचार में गुंडा राज खत्म हुआ, लेकिन असल गुंडा राज भारतीय जनता पार्टी के शासन में चल रहा है।